हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द दाल का रिक्वच। उड़द दाल का रिक्वच बनाने के लिए सबसे पहले हमने उड़द ले लिया, इसको अच्छी तरह से वॉश करके भिगो दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। हमारा उड़द दाल देखिए अच्छी तरह से फूक चुका है, ये देखिए अच्छी तरह से ये टूट रहा है। ये अब हम इसको एक मिक्सर जार में निकालते हैं। टुकड़ा एक चम्मच अदरक का टुकड़ा, 6 से 7 लहसुन की कलियां, 1 मिर्च, 1/2 चौथाई जीरा, 1/2 चौथाई हींग। अब हम इसे कवर करके अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा उड़द दाल अच्छी तरह से पीस चुका है। इसको हमने बिना पानी की सहायता से ही पीसा है, पानी अगर डाल देते तो ये गीला हो जाता, इसके लिए बिना पानी डाले ही इसको पीसना है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा उड़द दाल एकदम अच्छी तरह से पीस चुका है। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालते हैं तेल। यहाँ पे हम राई के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे तो मीठा तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर राई के तेल में ये बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए हम यहाँ पे राई का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इसे गर्म होने देते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम एक एक करके रिक्वच को बनाते हैं। रिक्वच बनाने के पहले हम अब उड़द दाल में 1 स्पून नमक डालते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। हम इसमें नमक पहले नहीं डालेंगे, नहीं तो ये हमारा पीठी जो है वो बहुत ही गीला हो जाएगा, जिससे हम रिक्वच नहीं बना पाएंगे। इसके लिए हमने बाद में रिक्वच में नमक डाला है। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। सबसे पहले हम अपने हाथों में अच्छी तरह से पानी लगाएंगे, कुछ इस तरीके से, चाहे तो आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि पीठी हमारे हाथ में चिपके नहीं और अच्छे तरीके से बन जाए। आप इसे चाहे जो भी शेप दे सकते हैं, हम इसे लंबे शेप में बना रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। ये देखिए हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं लगा है। सारे रिक्वच को हम इसी तरह से बना लेंगे। अब हम एक एक करके इसे अच्छी तरह से पलटते हैं, कुछ इस तरीके से आराम से इसको पलटते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम एक एक करके सारे रिक्वच को पलट दिए हैं। ये देखिए कितने ही अच्छी तरीके से ये बन रहा है। देखिए ये अब हम एक एक करके सारा निकाल लेते हैं रिक्वच। ये देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए हमारा रिक्वच बन करके रेडी हो चुका है। अब चलते हैं मसाले की तरफ। मसाला हम रेडी कर लेते हैं रिक्वच तड़के के लिए। यहाँ पे हमने ले लिया है मेथी, तेजपत्ता, मेथी 1/2 स्पून है, तेजपत्ता 2 है, मरीच ले लिया हमने 15 से 16, 1 स्पून जीरा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 15 लहसुन की कलियां, लाल मिर्च। अब हम इसे मिक्सर जार में डालते हैं। 15 से 16 ये लहसुन है, अदरक, 2 लाल मिर्च, 1 स्पून जीरा, 15 से 20 मरीच के दाने। अब हम इन सारी चीजों को पीस लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला पीस करके रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं कढ़ाई की। अब हम इसमें ऐड करते हैं 1/2 चौथाई हींग। अब ऐड करते हैं 1/2 चौथाई मेथी, मेथी के दाने हैं ये। अब ऐड करते हैं तेजपत्ता 2। अब हम इसमें ऐड करते हैं मसाला, जो हमें मसाला पहले से ही पीस करके रेडी कर चुका था। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं मसाले को। अब हम इसमें ऐड करते हैं हल्दी पाउडर 1 स्पून छोटे स्पून से, धनिया पाउडर 1 स्पून, गरम मसाला 1 स्पून है ये। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इसको पकने देते हैं थोड़ी टाइम के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करते हैं 1 स्पून उड़द का दाल, जो हमने पीस लिया था, जो बैटर तैयार किया था वही है ये। अब इसे भी डाल देते हैं अच्छी तरीके से और मिक्स कर देते हैं। इससे ग्रेवी हमारा गाढ़ा बनेगा और टेस्टी भी लगेगा। अब हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा पानी, ये जो उड़द दाल है इसको भी पकने देते हैं मसालों के साथ में। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अच्छी तरह से मिक्स कर दे।
ताकि हमारा उड़द दाल भी अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला भूज करके एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करते हैं पानी, इसे अच्छी तरह से चलाते हैं। इसमें डेढ़ कटोरी के लगभग पानी मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है। अब इसे पकने देते हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं नमक, ये हाफ स्पून के लगभग है। हमने लेट नमक इसलिए डाला है क्योंकि हम ग्रेवी के हिसाब से नमक डालेंगे, नहीं तो कम या ज़्यादा पहले डालने से कम या ज़्यादा हो सकता है। अब हम इसमें एक एक करके रिक्वेस्ट डालेंगे जो हमने पहले से बना करके रखा है। ये देखिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग एक बार ज़रूर इसे घर पर बनाएं और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा ये। अब इसे थोड़े टाइम के लिए पकने देते हैं, इसको ढक करके छोड़ देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा रिक्वेस्ट बन करके रेडी हो चुका है। ये देखिए, इसकी ग्रेवी बहुत पतली नहीं है और बहुत गाढ़ी भी नहीं है। ये देखिए कुछ इस तरीके से है। आप लोग एक बार जरूर इसे घर पे बनाएं। ये डिश यूपी का है और बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार आप लोग जरूर घर पे से बना करके ट्राई करें। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं कि आपको कैसा लगा।